हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैं रविंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को मनोरंजन कराने के लिए फनी वीडियो और कॉमेडी वीडियो भी बनाए जाते हैं और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कुछ लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हर्ट। बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है कि हर्ट में अलिंद कहाँ होता है, निलय कहाँ होता है, निलय का कार्य क्या होता है, अलिंद का कार्य क्या होता है। तो आज हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हर्ट जिसको हम लोग हृदय कहते हैं, हृदय जो होता है हमारा शरीर के बीचों बीच नहीं होता, शरीर के बाईं तरफ होता है। यह 300 ग्राम का होता है, यह शरीर के बाईं तरफ होता है और इसमें कुछ कमरे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं चैम्बर। ऊपर वाले कक्ष को कहते हैं अलिंद, नीचे वाले को कहते हैं निलय। तो अलिंद में भी दो अलिंद होते हैं, एक राइट अलिंद और एक लेफ्ट अलिंद। और निलय में भी दो निलय होते हैं, एक लेफ्ट निलय और एक राइट निलय। तो जो मछली होती है हमारी, उसमें दो कमरे होते हैं, एक को कहते हैं अलिंद ऊपर वाले को, नीचे वाले को निलय। और उभयचर और सरीसृप मतलब जो जमीन पर रहने वाले हैं और जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, उनमें जो चैम्बर होता है या उनके कक्ष होते हैं, उनमें एक दो तीन। ऊपर वाला जो होता है अलिंद होता है, नीचे वाला निलय होता है। अलिंद में दो होते हैं, एक राइट अलिंद और एक लेफ्ट अलिंद। और निलय में तो कोई लेफ्ट राइट है ही नहीं, क्योंकि इसमें यह अकेला है, यह इसमें लेफ्ट राइट हो गई। स्तनधारी, स्तनधारी मतलब मानव और पक्षी जो होते हैं, इनमें चार खोखले कर सकते हैं। एक इधर वाला राइट अलिंद होता है और इधर वाला लेफ्ट अलिंद होता है। इधर वाला राइट निलय होता है, इधर वाला लेफ्ट निलय होता है। तो जो अलिंद होता है यह ब्लड को पूरे शरीर से हृदय में रिसीव करता है, और जो आपका निलय होता है यही आपका ब्लड को पंप करता है। तो रिसीव करने का काम किसका होता है? अलिंद का। और पंप करने का कार्य किसका होता है? निलय का। तो आपसे पूछा जाए कि अलिंद की मांसपेशियां मजबूत होती हैं कि निलय की, आप बता सकते हैं निलय की। क्यों? क्योंकि ब्लड को रिसीव करने का कार्य अलिंद का होता है और पंप करने का कार्य किसका होता है? निलय का। तो जो पंप करेगा वही तो मांसपेशियों से मजबूत होंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, इसका फिगर बना के चर्चा करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पता है कि हृदय बनता कैसे? आज हम लोग डिटेल से बताएंगे कि हृदय बनेगा कैसे, ब्लड कहाँ से रिसीव किया जाता है, कहाँ पर पंप किया जाता है और कहाँ से पूरे शरीर में जाता है। आज इन सभी को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हृदय बनाना सीख लेते हैं, बंद करिए। तो हमारा हृदय इस प्रकार से बनता है, ठीक। जो हृदय में ब्लड रिसीव किया जाता है वो राइट अलिंद से एक वाल्व लगी रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं वेना कावा। वेना कावा को कहा जाता है महाशिरा। महाशिरा जो होती है आपकी, एक ऊर्ध्व होती है और एक पार्श्व महाशिरा। ऊर्ध्व महाशिरा जो होती है, ये ऊर्ध्व और पार्श्व महाशिरा पूरे शरीर से आके दाहिना अलिंद जो होता है उससे अटैच होती है। ये ब्लड को रिसीव करके हृदय में लाती है। जब ब्लड यहाँ से वेना कावा से महाशिरा से ब्लड इंटर करता है, तो एक ऊर्ध्व से इंटर करता है और एक पार्श्व से। ऊर्ध्व पार्श्व का एक नीचे से और एक ऊपर। जब ब्लड यहाँ से इंटर करता है, यहाँ से इंटर करने के बाद आपका जाता है राइट अलिंद। राइट अलिंद पे जब ब्लड पहुँचता है, ये वाला जो ब्लड होता है ये भी ऑक्सीजन रख सकता है। ये ऑक्सीजन यहाँ से इंटर करता है वेना कावा से। वेना कावा से जब ये ब्लड इंटर करता है पूरे शरीर से, ये वाला ब्लड जो होता है आपका बी ऑक्सीजित रक्त होता है। बी ऑक्सीजित रक्त का मतलब है कि अभी इसका ऑक्सीजन से संयोजन नहीं हुआ होता। इस वाले ब्लड का रंग जो होता है नीला होता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभी इसका संपर्क में क्रिया नहीं हुआ होता। जब ब्लड यहाँ से इंटर करता है आपके राइट अलिंद में, राइट अलिंद में एक वाल्व लगी रहती है। इस वाल्व को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जब खुलती है तो ये ब्लड पहुंच जाता है आपका राइट निलय में। राइट निलय में ब्लड पहुंचता है, ये ब्लड यहाँ से पंप करता है तो आपका चला जाता है फुफ्फुस धमनी, जिसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व आपका ले जाता है ब्लड को लंग्स में। यहाँ पर ब्लड का ऑक्सीजनीकरण होता है, और यहाँ पर जब ब्लड का ऑक्सीजनीकरण होता है तो ब्लड लाल रंग का हो जाता है, रेडिश हो जाता है। उसके बाद ब्लड यहाँ से फुफ्फुस सिराएं जुड़ी रहती हैं, जो ब्लड को लेकर आती हैं आपके लेफ्ट अलिंद में।
लेफ्ट अनिल में ब्लड पहुंचता है, ये वाला ब्लड जो होता है आपका लाल हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ लंग्स में ऑक्सीकरण हो जाता है। और ये वाला जब ब्लड यहाँ इंटर करता है तो ये वाल्व एक लगी रहती है आपके लेफ्ट अनिल में, लेफ्ट अनिल में एक वाल्व लगी रहती है जिसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व खुलती है, उसके बाद ब्लड आपका पहुंच जाता है लेफ्ट निलय में। लेफ्ट निलय में पहुंचने के बाद ब्लड यहाँ से पंप करता है तो चला जाता है महाधमनी, जिसको कहते हैं एरोटिक वाल्व। ये वाला ब्लड पूरे शरीर में आपके इंटर करता है, ठीक इसी प्रकार से आपका ब्लड पूरे शरीर में पहुंचता रहता है और वे महाशिरा में फिर वापिस आता है, फिर आपका दाहिना अलिंद में आता है, फिर दाहिना निलय में आता है, दाहिना निलय से ब्लड पंप करता है तो जाता है फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी में ब्लड ले जाता है लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीकरण होता है, वहां से फिर आता है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से आपका पहुंचता है बायां अलिंद में, बायां अलिंद से एक वाल्व लगी है जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, यह वाल्व खुलती है तो आपका पहुंचता है बायां निलय में। ये वाला ब्लड यहाँ से पंप करता है तो महाधमनी में ब्लड प्रवेश करता है। अब आप लोग को ये डाउट होगा कि जब ये ब्लड यहाँ से यहाँ इंटर करता है तो ये वाले देखो, जब ब्लड यहाँ से इस वाल्व से इस निलय में राइट निलय में ब्लड इंटर करेगा तो ये देखो, जब ये ब्लड यहाँ से पंप करेगा तो ये वाली वाल्व जो होगी बंद हो जाएगी और ये वाली वाल्व खुल जाएगी और ये वाला ब्लड आपका चला जाएगा लंग्स में, ठीक। इसी प्रकार से जब ब्लड यहाँ आपका बायां अलिंद में जब ब्लड इंटर करता है तो ये वाली वाल्व खुलती है, जब यहाँ पर ब्लड पंप होता है तो ये भी वाल्व जो आपकी बाइक स्पीड वाल्व है ये बंद हो जाती है और एरोटिक वाल्व खुल जाती है, जो ब्लड पूरे शरीर में ले जाती है। इस जो आपका हृदय है इसमें एक यहाँ पर मसल्स पाई जाती है, इस मसल्स को कहते हैं एसए नोड। एसए नोड क्या करता है, हृदय में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कराता है जिससे आपका ब्लड पंप होता है और पूरे शरीर में पहुंचता रहता है। यही ऐसे नोड जब खराब हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जरी के माध्यम से पेस मेकर लगाते हैं जो आपके हृदय में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करा सके, ठीक। और यही आपका जो यहाँ पर जब ये वाली वाल्व खुलती है तो एक आवाज निकलती है, इस आवाज को कहते हैं लपटप की आवाज। यही जब एक बार बंद होगा फिर खुलेगा, तो आपका जो ब्लड होता है एक बार जब यहाँ से पंप करता है तो केवल 70 ml ब्लड ले जा पाता है। जब आपका हृदय जो होता है एक बार एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, एक मिनट में हृदय 72 बार आपका बीट्स करता है यानी धड़कता है, तो एक बार जब धड़केगा तो ये 70 ml ब्लड को ही पंप कर पाएगा। तो एक मिनट में जब 72 बार धड़कता है तो 72 का मतलब कि एक मिनट में 70, एक बार जब धड़केगा 70 ml और 72 बार धड़कता है तो 70 में 72 का पूरा करोगे कितना आएगा, 2 0 7 14 और ये हो जाएगा 0 7 49 लगभग आएगा 5 लीटर। ये यानी कि 72 बार हृदय बीट करने पर आपका जो 5 लीटर शरीर में ब्लड होता है पूरा पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो यही क्रिया चलती रहती है और ब्लड पूरे शरीर में पहुंचता रहता है। जो आपका हृदय होता है तो हृदय को क्या करते हैं, कोई आदमी अगर मर जाता है तो आपके जो हृदय होते हैं, किडनी होते हैं, लीवर होते हैं, तो आदमी के मरने के बाद लगभग 5 से 6 घंटे तक जीवित रहता है। तो जो आपका पोस्टमार्टम होता है तो उसी में क्या करते हैं कि डॉक्टर लोग उसको निकाल लेते हैं, ठीक। तो पहली बार जो हृदय को ट्रांसप्लांट किया था वो आपके थे डॉक्टर क्रिस्टन बर्नाल। डॉक्टर क्रिस्टन बर्नाल ने सन 1967 में पहली बार क्या किया था, एक आदमी का हार्ट खराब हो गया, एक आदमी के हार्ट दूसरे आदमी में ट्रांसप्लांट किया था, ठीक।